आज बनाने जा रही हूँ बिहारी स्टाइल के बने छोले। तो उसके लिए मैंने चने ले लिए हैं फूले हुए, और उसे कुकर में एक सीटी लगवा लें। और ये मेरे चने पूरे अच्छे तरह से उबल चुके हैं, और मैंने ले लिया है कटे हुए प्याज, और मसालों के लिए लहसुन अदरक मिर्च और जीरा गोल की। तो एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करें, उसमें जीरा डालें, दो तीन तेज पत्ते ले लें इसमें डालें, और दो सूखी लाल मिर्च। अब इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और ये प्याज भून चुकी है, इसमें नमक डालें, हल्दी पाउडर डालें, और मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए हैं उसे भी डाल दें। मसाले भून रहे हैं, उसकी खुशबू अच्छी आ रही है। अब एक टमाटर को काट कर डाल लें। मसाले लगभग भून चुके हैं, अब इसमें हम लोग चने डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लें। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। अब इसे ढक कर थोड़ी देर रहने दें, फिर इसमें पानी डालें, चूल्हे में उबाल आ गया है। तीन से चार मिनट तक इसे उबलने दें, और अंत में थोड़ा गर्म मसाला डाल दें। मैंने तीन इलायची और तीन लौंग लिया है बस। और गैस का फ्लेम बंद कर दें, और ये आपका छोला रेडी है, बिहारी स्टाइल छोला।